Hi fairies, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, click the notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook. Sari ki sari link hogi description box mein. Namaste, this is Dvija aur kaise hain aap? Ek aur video on Lappu Sachin. आई रियली एंजॉय दैट आंटी. मतलब वो आंटी एकदम मस्त बोलते हैं, मुझे नहीं पता जो भी बोलते हैं मुझे मजा आता है. उनकी जो एक टोन है वो देखने में मजा आता है, वो सुनने में मजा आता है. और अभी भी वो मीम चल रहा है कि थकेश ने अनफिल्टर्ड पे तो बनाया लेकिन उनके मेन चैनल पे भी उनके ऊपर वीडियो बनाया. आई थिंक इट लुक्स लाइक खबरेश, बट आई थिंक वी गोना हैव अ गुड अमाउंट ऑफ सीमा हैदर एंड लप्पू सचिन वर्सेज लप्पू आंटी. फाइट इज फनी. ओके, उनका नाम सीमा नहीं है, ठीक है. आई थॉट उनका नाम सीमा है और सचिन तो सचिन है लेकिन वो लप्पू है. आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, लेकिन हर बार की तरह उम्मीद है वीडियो जाएगा, रहेगा और मजा आएगा. एंड आई एम रियली एंजॉयिंग दिस मीम्स व्हिच इज व्हाई आई एम बैक हियर. आई फील लाइक महेश डी वाले मीम्स ब्रिलियंट थे, बहुत मजा आया था उसमें. सिस्टर मीम्स बहुत फन थे. आई थिंक देन दिस इज माई थर्ड फेवरेट मीम अभी तक का, जिसमें मुझे देख के मजा आता है. आई डोंट नो कि क्या होगा इसके अंदर. दिस लुक्स लाइक खबरेश, लाइक आई सेड मीम रिव्यू नहीं है बट स्टिल आई एंजॉय इट. आपका पता नहीं, आई एंजॉय इट. लेट्स गो. सचिन वर्सेस सीमा वर्सेस मीना वर्सेस कैरी मीना है भाई ये केस में. तो इसकी सबकी शुरुआत मीना जब सीमा पाकिस्तान से बच्चों को लेके सचिन भाई के पास आई, ये एकदम तारों के नीचे से घुस के आई. उसके बाद उनकी पड़ोसी मीना जी ने ये इंटरव्यू. अच्छा, मीना है उनका नाम. सचिन क्या है सचिन में? लप्पू सा सचिन है, मुँह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना. जो बोलते नहीं है वही लोग ऐसा कर लेते हैं. उसके बाद ये बहुत वायरल हुआ एंड बहुत सारे गाने भी बने. यशराज ने ये गाना बनाया, लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का, क्या है सचिन में? कैरी के साथ कोलैब कर ली. क्या है कैरी में? हमने ये देखा था कितना मॉम रोज था, मॉम जैसे ही रोज करते हैं. बॉलीवुड का है ना, और बाई चांस जरा सी हवा चल गई ना तो पता ना कौन सा कौन है. दिस इज माय ग्रैंडमा टू मी. हम आज तक 200 प्लस रोस्ट वीडियोस बना चुके, कैरी के साथ कोलैब नहीं हुआ हमारा. हम सोचते कि कमी कहाँ रह गई, दुनिया भर के लोगों को रोस्ट किया, अब पता चला कमी कहाँ रह गई. हमने पड़ोस की आंटी के पति को बॉडी शेम नहीं किया. यस, वैसे इन आंटी का नाम मिथिलेश कुमारी है जिन्होंने अच्छा. सचिन भाई को लप्पू बोला. हाँ. नहीं, इसमें कोई गलत नहीं है. बहुत लोग उनकी इंस्टा आईडी मांग रहे थे, सोचा समाज सेवा कर दूं. इस बात पे सीमा हैदर बुरा मान गई. उन्होंने बोला मेरे पति को ऐसा कैसे बोला. उन्होंने हायर किया एक लॉयर, ये जो पाकिस्तान से आई है इंडिया में तारों के नीचे से घुस के, उसने एक लॉयर हायर किया और डिफेमेशन का. सचिन एंड सीमा हैदर के लॉयर ने ये बुनियाद रखी है कि ये आंटी ने सचिन भाई को झिंगूर बोला. किसी को जानवर बोलना कानूनी अपराध है. तो पहली बात झिंगूर जानवर नहीं, इंसेक्ट होता है. हाँ, I mean, ऐसे तो कितने लोग जेल जाएंगे. किसी को जेल में डालने लगे तो यूट्यूब के आधे रोस्टर्स कभी जेल से बाहर. रोस्ट कमेंट्स एवरीवन. झिंगूर कॉकरोच छिपकली क्या क्या बोलते रहते. फिर इस आंटी के पति के फोटोज वायरल हुए कि दूसरे के पति को लप्पू बोल रही है, झिंगूर बोल रही है. इसका पति देखो. देखो मैं तो यही बोलता हूँ, जब तक अपना पति ऋतिक रोशन ना हो ना तब तक दूसरे के पति को कुछ बोलना नहीं चाहिए. जो हस्बैंड के साथ किया जा रहा है ना उसका थोड़ा दुख है, क्योंकि कुछ लोगों ने उनको टारगेट किया. जो आदमी देखे खेतों में काम करने वाला नॉर्मल है. मेरे हस्बैंड पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, मेरे से भी कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन सपोर्ट पूरा देते हैं मुझे. मुझे तो लगता था बाल विवाह में दोनों का बच्चा होना जरूरी है. सीमा से और सचिन से कोई नाराजगी? जो गलत जो कुछ का लोग गलत कह रहे हैं, कुछ अच्छा कह रहे हैं. उधर काई के मुँह से चार बात अच्छी लिख रहे हैं, काई के बुरी लिख रहे हैं. सब दुनिया एक चीज थोड़ी होती है. ये अपनी अपनी लोगों की समाज है, कोई अच्छा कह रहा कोई बुरा कह रहा. प्यार था. वेल सेड. चल रही डिबेट. वेल सेड. पूरा दिन यूट्यूब पे चलती रहती है, पता नहीं क्या ही हो रहा है. शादी हुई हमारी भी, शादी हुई हमारे यहाँ पे भी खूब लड़ाई होती है. पति चार चार साल तुम्हारी भाई क्या ही डिफेंड कर रही है सीमा. और सचिन को देखो कैसे बैठा है, तेरे लिए लड़ रहे लोग, तू तो कुछ बोल. सॉरी आई टेक इट बैक, ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को. कुछ भी नहीं करता. काम होता है
ऐसे नहीं भागना होता औरत का काम। बट एक बात तो इंडियन मीडिया आपको गलत साबित करने में बहुत मस्त है, ओके? जब भी आपको लगने लगता है कि इससे ज्यादा नीचे गिर नहीं सकती, वो आपको गलत प्रूव कर देते हैं। फॉरेन की मीडिया दो देशों के बीच यू नो मंडवली कराती है, इधर देखो लड़ो लड़ो। तो वेट कर रहा हूँ कि कब एकता कपूर इस पे एक सीरियल बनाए, वो भी आएगा, पाकिस्तानी बहू वो भी आएगा। सीमा भाभी को ना एक यूट्यूब चैनल खोल लेना चाहिए, रोस्टिंग का नहीं, वो तो मिथिलेश का काम है, वो नहीं। सीमा भाभी को एक टिप्स फॉर ट्रैवलिंग का चैनल खोल लेना, कैसे अलग अलग देशों में तारों के नीचे से घुस के चार बच्चों को लेके ट्रैवल कर। हाँ यार, वो कैसे आए लेकिन। फनी चीज ये है कि ये लप्पू बोलने निकली थी सचिन को, लेकिन अब इन्हें लप्पू आंटी के नाम से जानते हैं। लप्पू आंटी इन्हें इनके नाम से कोई नहीं जानता। हाँ, we also did not know her. और मीडिया मीडिया को तो भाई कोई काम धंधा ही नहीं है, पूरे देश के मैटर छोड़ के लप्पू आंटी सचिन सीमा लेके बैठ गए। अरे वो सीमा क्यों है देश में, समझ नहीं रहा अभी तक। और मुझे साबित करने नहीं, नहीं तो सीमा जी ये बताइए भी है मेरे लिए लिखा है ना तुमने, शाहरुख खान को भी फेल करेगा। किसान है मेरा पति और मुझे गर्व है अपने पति पे। हाँ देखो, आपको गर्व है आपके पति पे, लेकिन किसी और को बोलना उसका वो शादी है लोग का, मेरे को मालूम भी नहीं। सचिन को देख के मेरे को सचिन मुंह खोल लप्पू साले मुंह खोल के बात कर, तेरे लिए लड़ रही है लड़कियां, मजा आ रहा है साले को, तो मजा आ रहा है। उसके पति के लिए हमने तो प्यार से कहा, इन्होंने बाजी करी, ठीक है, प्यार से कहा था, प्यार से कहा था। हमारे तो यहाँ पे प्यार की बोली है भैया, हर जगह हरियाणा में जाके देखो तू तड़क की बोली है। सीमा जी मिथिलेश कह रही है, जो कहा था सचिन को वो प्यार से कहा था, ठीक है। सुनिए सुनिए सुनिए, दिखाए सर मेरे पति को इनके प्यार की जरूरत नहीं, इनकी माँ भी है, इनके पापा भी है, इनके सब है। मेरे बारे में तो गंदे शब्द है ना सर, मैं अगर पाकिस्तान क्या मैं औरत नहीं हूँ? समझ नहीं रहा है, पड़ोस वाली आंटियों के मैटर टीवी चैनल पे न्यूज चैनल पे क्यों चल रहे हैं? इससे अच्छा खबरें शो चला दो न्यूज चैनल पे। पड़ोस वाली आंटी इतना कान में नो दे डू दिस, वो वहाँ पहुँच गई, देखो उनको संभालो, बाजू वाली आंटियों को। जो तुम कर रहे हो ना वाह मैं देख लूंगी, परसों शुक्र मना वो दूर है थोड़े ना, तो तुझे भी पता पड़ जाती क्या हिंदुस्तान नारी कैसी हो। अरे आंटी आप देखो ऑनलाइन मैटर को हाथ पाई में मत लाओ, मैं समझ रहा हूँ आपकी भावना, कहाँ से कहाँ जा रहा है। बीफ करने गए, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं क्या आंटी के? बाय द वे शी हैज इंस्टाग्राम। ऑनलाइन मैटर को है ऐसा मत बोलो कि फिजिकल हम लोग फाइट करेंगे, तो फिर टिकटॉकर वाली हरकत हो गई। बॉक्सिंग मैच, आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये मिथिलेश आंटी उनको बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज करे और फिर वो पूरा बॉक्सिंग मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बोल के मार्केट किया जाए। ये स्ट्रेटजी है मार्केटिंग। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं से लड़ूं, मैं खुद को हिंदुस्तानी मानती थी पाकिस्तान में रह के भी, अब भी हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी ही रहूंगी सर। बट मेरे को समझ नहीं रहा है बिचारी पे डिफेमेशन केस क्यों लगता है। डिफेमेशन केस उन पे लगता है जिन्होंने नाम खराब किया हो, तो नाम बना दिया उसका। मेरी बात मानना, कोर्ट जाएगा तो सब लोग बोलेंगे अरे लप्पू सचिन है ना, लप्पू सचिन है ना। डिफेमेशन छोड़ बेटा, शाउट आउट का केस लगा दिया ना कि मैंने इसको शाउट आउट दिया है, मेरे को 1 करोड़ चाहिए फेमस करने के लिए, तब तू जाएगा। एक तो मेरे को समझ नहीं रहा है, कोई तो बोल रहा था ना ये पाकिस्तानी एजेंट है, तो वो सब गया क्या, केस चल नहीं रहा है, इसको वो टेंशन है कि सचिन को लप्पू बोल रहा है, इधर पाकिस्तानी एजेंट बोल रहे हैं उसको। बेचारे सचिन तेंदुलकर सर ने 24 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के नाम को रोशन किया, सचिन दुबा दिया एक साथ में, एक रात में, एक साथ में क्या होता है। अब ये सब तो ठीक है, लप्पू सचिन का भी एक लॉयर है, उनकी बात है। देखो लप्पू मरा हुआ चूहा, मतलब उस चूहे को मारने की भी तैयारी है, मारा भी जा सकता है, हत्या भी की जा सकती है। मरा हुआ चूहा जरा सा यूं पकड़ ले तो यूं ही मर जाए या भींच कर मर जाए। सूखा जरा तेज हवा चल गई तो पता नहीं कितनी दूर जाकर गिरेगा, डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी, मतलब उसको इतना करेंगे मार देंगे हटा देंगे। इसको ज्यादा नहीं बना रहे हैं, इसको चीजें इतनी ओवर कॉम्प्लिकेट क्यों की जा रही है। आई नो चुका है अरे yes. यार पिछले साल तो रोना ही आ गया था, बट इस साल एक मिनट कोई भी नहीं बोलेगा ये सीमा हैदर ने जो प्रेयर किया था उसके वजह से हुआ। मेरा स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है लेकिन फिर भी मैं वर्क किए हूँ। भारत का चंद्रयान 3 आज शाम उतरेगा चंद्रमा पर, इससे हमारे भारत देश का बहुत नाम होगा।
इसलिए मैं तब तक व्रत रखूंगी जब तक सफलता प्रूफ उतर नहीं जाएगा, तब तक मेरा व्रत है। चंद्रयान 3 का सक्सेस भी ये ले जाएगी। बंदी लेके बॉर्डर क्रॉस करके आई है, मोदी जी को अपना कैसे लेकिन बन गई। अभी मेरे को धरती पे बोझ वाली फीलिंग आ रही है। जैसे गांधी जी राष्ट्रीय पिता है ना, इनको राष्ट्रीय भाभी घोषित कर दो। तो माननी पड़ी है साला, सचिन में कुछ तो बात है। या तो पबजी बहुत अच्छा खेलता है या तो सब्जी बहुत अच्छी बनाते है, कुछ तो होगा भाई। इधर हमको तो साला पबजी में रिवाइव नहीं देते दोस्त। हिमा दीदी अगर आप ये वीडियो देख रही हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है। देखो अगर आप, मैं फ्यूचर का बता रहा हूँ, अगर आप गलती से भी अगर जासूस साबित नहीं होती है, इनोसेंट साबित होती हो, तो हमारे थगेश शो पे आ जाना। सचिन और सीमा हैदर की लाइफ में मूवी बनने वाली है। यस, मूवी की शूटिंग कुछ ही टाइम में चालू हो जाएगी। इसका नाम होगा कराची टू नोएडा। लप्पू सा सचिन रख देते मूवी का अंत जान लो क्या होता है। अगर अंत में वो पाकिस्तानी एजेंट निकली और जेल में चली गई तो उनको पिक्चर की जगह पंक्चर बनाना पड़ेगा। एजेंट आई डाउट, मतलब पता नहीं। कुछ भी हो, देखो मेरे को लप्पू सी आंटी का कैमियो चाहिए ही चाहिए। ऑलरेडी बनाई हुई स्टोरीज पे मूवी बनाते हैं क्या? ये कितनी बार देखा ही हमने। एक काम करो, इसको गदर 3 नाम देके बेच दो। सनी पाजी को हीरो ले लो, लप्पू से सचिन बना दो। He is not even close to being लप्पू। गदर 3 की बात हो ही रही है, गदर 2 ने भाई गदर मचा दिया। मैं नहीं देखा अनफॉर्चुनेटली अभी तक। मेरे को नहीं पता गदर 2 की सक्सेस देख के लोग इतने सरप्राइज क्यों हो रहे हैं। पाकिस्तान को गाली देकर अगर हिंदुस्तानी भाव का करियर बन सकता है तो सनी पाजी का तो रिवाइव हो ही सकता है। बट नहीं, बोल रहे लोग 200 करोड़ कमा लिए गदर मूवी ने। भाई क्या चालू है, बड़े बड़े एक्टर्स आए कुछ कर नहीं पाए, 4 पाकिस्तान को गाली दे दो, हिट मूवी। बट ये बात को डिनाई कर ही नहीं सकते कि फैन फॉलोइंग को मानना पड़ेगा भाई। सनी जी 20 साल बाद भी लोगों ने याद रखा, और मैं 2 हफ्ते बाद वीडियो डालूं सारे सब भूल जाएंगे। हाँ, मेरे चैनल पर ऑडियंस देख के बोले हाँ भाई तू कौन है। 2 दिन इतना ही नहीं, ये भी रूमर आ रहे हैं कि सनी पाजी गदर 3 बनाने वाले, घातक 2 बनाने वाले, बॉर्डर 2 बनाने वाले। ये हुई ना मार्केटिंग भाई। यूट्यूबर से सीखा, एक टॉपिक हिट होए उस टॉपिक पे 12 वीडियो आनी चाहिए। देखो अगर आपको गदर 3 बनानी है तो अगले 2-3 महीनों में बना दो पाजी, ट्रेंड है, हाई चल रहा है, अभी के अभी व्यूज और टिकट बेच दो। इस फिल्म ने पहले ही वीक में 280 करोड़ कमा लिए। अगर ये फेक ना हो तो, बट मेरे को नहीं पता। सनी पाजी ने हैंडपंप उखाड़ा तो इतने कमा लिए, ट्यूबवेल उखाड़ देता तो साला RRR की कलेक्शन क्रॉस हो जाती। जैसा मैंने बोला, सनी पाजी ने बॉर्डर 2 भी अनाउंस कर दी। अरे सांस लेने दो पाकिस्तान वालों बेचारों को, क्या कर रहे हो आप। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मत करो उनके साथ, अफगानिस्तान वाले एक तो उनको बॉर्डर पे परेशान कर रहे हैं। बट एनीवेज यार, मैंने तो नहीं देखी गदर, आपने देखी है तो मेरे को कमेंट में बताओ क्या रिव्यू आपका। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया लाइक करो, चैनल पे न्यू हो तो डू सब्सक्राइब। द वीडियो इज अमेजिंग, द वीडियो इज अमेजिंग। आ गया है स्काउट मॉडल, सॉरी आई नीड टू पॉज। बट भाई हमें इनकी लड़ाई में क्यों पता नहीं कि इतना मजा आ रहा है, बट आई एंजॉय इट। आई डोंट थिंक कि वो एजेंट है, अगर वो एजेंट है तो इतना खुलेआम नहीं, दे विल बी सेंसेशन थोड़ी ना बनेंगे। वो एजेंट है तो वो छुप के रहेंगे ना, दे विल ट्राई टू कीप देयर आइडेंटिटी एज क्लोज्ड एज पॉसिबल। ये थोड़ी ना सब जगह जाके दिनोरा बीटे के उसके बारे में, आई डोंट थिंक शी इज एन एजेंट। नहीं पहुंचे कैसे यहाँ पे, मूवी बन रही कुछ भी हो रहा है। बट आई एम नॉट सीन गदर एज वेल एक्चुअली, सच बोलूं मैंने फर्स्ट वाले भी नहीं देखे अभी तक। आई नो माय मॉम वाज लाइक पहली वाली नहीं देखी देखो, आई वाज लाइक यस सॉरी मॉम आई हैवंट सीन इट, बट हम देखेंगे। यस, अभी बहुत कुछ चल रहा था लाइफ में, फिजिकली एंड मेंटली ऑल्सो लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग पर्सनल लाइफ में। सो नहीं, ऐसा कोई चांस नहीं मिला 15-20 दिन से तो घर से बाहर नहीं निकले ऐसे तो। बट आई एम थिंकिंग ऑफ वॉचिंग अदर फर्स्ट, पहले उसके बाद सेकेंड पार्टी। बट आई लव दिस वीडियो, मुझे और चाहिए। आई डोंट नो अबाउट यू बट ये थर्ड मेरा फेवरेट है, आउट आफ्टर सिस्टम एंड महेश डी मीम्स, दे वर आइकॉनिक एंड देन देयर इज दिस वन, आई लव इट। थैंकफुली ये पूरा वीडियो लिटरली उसके बारे में था। आई लव उटपटांग सी न्यूज भी, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही उटपटांग है, सो आई डोंट माइंड इट। आई एंजॉय दैट, होप यू डिड टू, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, लव यू।